पावर स्टार पवन सिंह का काराकाट में धुआंधार प्रदर्शन के बाद अब 2025 में यानी कि विधानसभा में एक बार फिर से सरगर्मी बढ़ा दिया है। और पावर स्टार पवन सिंह है तो मूड बनाते हैं तो भाई चर्चा तो बनता है। जी हाँ, अब ऐसा है कि भैया बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज और इससे पावर स्टार पवन सिंह का जो कनेक्शन है वो सामने निकल के आ रहा है। जी हाँ, यानी कि पावर स्टार पवन सिंह की धर्म पत्नी ज्योति सिंह पावर स्टार पवन सिंह के लिए काराकाट विधानसभा में जोर शोर से चुनाव प्रचार करते हुए नजर आई और लोगों ने उनको एक्सेप्ट भी किया। तभी तो उनके चुनाव प्रचार कारण से ही यानी कि यूं कहें तो पवन सिंह का जो जलवा काराकाट में चला और दो नंबर के पायदान पे चढ़ चुके। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स में खबर आ रही है कि भाई पावर स्टार पवन सिंह की धर्मपत्नी प्रशांत किशोर से मिले हैं। जी हाँ, यानी कि अगर मुलाकात हुई है तो कुछ चर्चा भी होगी। और 2025 में यानी कि अगले साल बिहार में होने वाला है चुनाव और चुनाव जोरदार होने वाला है। और इस बार प्रशांत किशोर ने भी ठान लिया है कि भैया पूरे के पूरे सीट पर चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर जो हैं वो करीब 40% महिला को टिकट देने वाले हैं। अब खबर ये आ रही है कि पावर स्टार पवन सिंह की जो धर्मपत्नी ज्योति सिंह हैं जो प्रशांत किशोर से मुलाकात की है तो साइड टिकट के लिए ही मुलाकात की है। अब ऐसे में पावर स्टार पवन सिंह क्या वाकई में ही ज्योति सिंह को चुनाव लड़वाएंगे या फिर नहीं लड़वाएंगे ये तो बाद की बात विषय है। लेकिन भाई जो मामला है वो इस समय गर्म हो चुका है और सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं जो गर्माहट है वो पैदा हो चुका है। और हाल ही में पावर स्टार पवन सिंह ने यूपी के बाहुबली यानी कि धनंजय सिंह से मुलाकात किया और वहाँ पे भी यूं कहें तो चुनावी की जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं छिड़ चुका है। अब ऐसी खबर आ रही है कि धनंजय सिंह भी पार्टी बनाने वाले हैं। अगर यूपी में पार्टी बनती है तो बिहार में अगर कमान दिया जाता है तो वह है पावर स्टार पवन सिंह। और पावर स्टार पवन सिंह ने भी कहा है उनकी टीम की तरफ से एक अफवाह आई है या फिर आप कह सकते हैं कि ऐलान किया गया है, हालांकि ऑफिशियली ऐलान नहीं है, कि भैया पावर स्टार पवन सिंह अब अपना पार्टी बना सकते हैं। अब इसके ऊपर भी कई सारे मथाएँ चल रही है, यानी कि यूँ कहें तो जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें पावर स्टार पवन सिंह का कहीं ना कहीं कनेक्शन बाई कनेक्शन नाम आ रहा है। तो ऐसे में 2025 का जो चुनाव होने वाला है बिहार में, जी हाँ, विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। लालू जी की भी पार्टी है और नीतीश जी की भी पार्टी है, इधर प्रशांत किशोर की पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी है, आखिरकार पावर स्टार पवन सिंह का जो झुकाव है वो किधर होने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। यूपी में धनंजय सिंह से मिले हैं, अब उसका भी कनेक्शन एक निकल के सामने आ रहा है। तो ऐसे में 2025 का जो माहौल है ना, जन सुराज की तरफ पवन सिंह का घूमने वाला है या फिर धनंजय सिंह की तरफ होने वाला है आरजेडी की तरफ से, ये अभी कुछ डिस्कशन है। लेकिन एक खबर आ रही थी तो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। फिलहाल आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि क्या वाकई में 2025 के चुनाव में पावर स्टार पवन सिंह अपनी धर्म पत्नी को उतारेंगे या फिर पावर स्टार पवन सिंह खुद उतरेंगे, जो भी सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।